पॉकेट 2024 का KTM RC 200 का न्यू कलर एडिशन है जो कि ब्लू के साथ आया एंड मेरे हाथ में इसका की देख पाओगे। तो फाइनली भाई आपको टेस्ट साइड लेके दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या इन द ईयर 2024 वर्थ बाइंग है KTM RC 200। लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ एन RC भाई, दो BS3 BS4 का लेगेसी को कभी फॉलो नहीं कर पाएगा, लेकिन भाई मजा तो है RC में भाई, मजा आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फिलहाल मेरे सामने देख पाओगे 2024 का KTM RC 200 का न्यू कलर एडिशन है जो कि ब्लू के साथ आया एंड मेरे हाथ में इसका की देख पाओगे। तो फाइनली भाई आज को टेस्ट साइड लेके दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या इन द ईयर 2024 वर्थ बाइंग है KTM RC 200 या कंपटीशन में आपके लिए R15 M या R15 V4 बेटर रहेगा, या न्यूली लॉन्च हीरो की तरफ से करिश्मा XMR बेटर रहेगा, या बोला जाए तो भाई पल्सर RS 200 बेटर रहेगा। तो कौन सा 200cc बेस्ट है इन द इंडियन मार्केट विच यू शुड कंसिडर बाइंग इन द ईयर 2024 और नॉट, तो उसी के लिए आज का वीडियो होगा। लेकिन एक चीज बोलूंगा गाइस, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे। एंड एक चीज बोलूंगा, अगर आपको KTM का कोई भी टू व्हीलर लेना है या हुस्क्वर्ना का कोई भी टू व्हीलर लेना है तो अभी दिवाली फेस्टिव सीजन या फेस्टिव ऑफर्स चल रहा है, तो अगर आपको कोई भी KTM और हुस्क्वर्ना का अगर प्रोडक्ट लेना है तो शोरूम का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग जरूर से जरूर जाके चेक डाउन कर सकते हो तो आपको स्पेशल फीचर्स एंड स्पेशल ऑफर्स को अवेल कर पाओगे। सबसे पहले देख पाओगे मेरे हाथ में इसका की है, तो की थोड़ा सा सेम ही है जैसा बेसिक होता था भाई, की में डिफ्रेंसेस नहीं है, तो की को की स्लॉट में रखते हैं। एंड लुक्स के बारे में अगर बोले भाई तो ये है KTM RC 200 का ब्लू वाला कलर एडिशन, न्यूली लॉन्च कलर एडिशन, तो अब बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ KTM छपरी नहीं रहा, क्योंकि जो ऑरेंज कलर है एंड जो लोग जिस तरह से चलाते हैं KTM को छपरी टैग दे दिए, इसलिए KTM ने खुद से ही सोचा कि चलो भाई ऑरेंज कलर को जितना हो सके टोन डाउन किया जा सके, तब KTM अभी देखोगे स्पेशली ब्लू कलर थोड़ा सा ब्लैकिश शेड में गाड़ी निकाल रहा है, तो ये वाला भी कुछ उसी कलर से मिलता जुलता है। जो स्टेट अभी देख पाओगे यहाँ पे KTM का आपको ब्रांडिंग मिलेगा, टैंक आपको मेटल का मिलेगा एंड ये वाला मॉडल के साथ टैंक साइज भी थोड़ा सा बढ़ा है, 13.4 लीटर्स का है तो रेंज भी आपको बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे लेटेस्ट वेरिएंट है इथेनॉल 20, तो ये ब्लू कलर आप बताओ कैसा लग रहा है। इन पर्सन मुझे बोला जाए तो बेटर ही लग रहा है, थोड़ा सा ऑरेंज टचेस है क्योंकि KTM में ऑरेंज उसका ट्रेडमार्क कलर है, तो थोड़ा सा ऑरेंज टचेस रहेगा जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। इवन पैनल भी देख पाओगे यहाँ से आपको RC 200 का पैनल देखने को मिलेगा जो कि ब्लू एंड ब्लैक है, देखने में प्यारा लग रहा है। इवन इस एंगल से भी देखो RC 200 सही लग रहा है। ये वाला मॉडल जब से RC इस मॉडल में या ये वाला शेप में अपडेट हुआ था हर तरह से बेटर लग रहा है। आप साइड से देखो, इवन देखो अच्छा लग रहा है, इवन हम क्लोज देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, इवन हम अगर इस एंगल से भी देखें तो RC सही लग रहा है। अगर हम पीछे भी आते हैं तो भाई पीछे से भी इसका टेल बहुत ज्यादा स्लीक है, मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूं भाई एंड इंडिकेटर भी जला के दिखाता हूं, तो इसमें हैजर्ड लाइट नहीं आता है तो कंपनी को देना चाहिए था। देखो अगर मैं टेल पोर्शन से भी देखता हूं तो भाई KTM कितना ज्यादा स्लीक लग रहा है, स्लीक डिजाइनिंग है भाई, देखो कितना मस्त प्यारा लग रहा है पीछे का, मतलब LED बैकलाइट, ऑफकोर्स LED इंडिकेटर आता है तो हैजर्ड लाइट नहीं है, लेकिन सब तरह से RC देखने में खूबसूरत है। इवन अगर हमें मतलब राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो फील अच्छा है भाई, अच्छा गाड़ी है। जैसे ही भाई मैं सामने आता हूं भाई वैसे ही मेरा परसेप्शन चेंज हो जाता है, मतलब यहां से कितना वाहियात लगता है देखने में। दो DRL यहां पे जल रहा है, आई थिंक देख पाओगे ये वाला DRL है एंड इनफैक्ट यहां पे देख पाओगे भाई मतलब LED इंडिकेटर जो जल रहा है जो फियरिंग के अंदर में ही है। मैं एक बार आपको और अच्छा से दिखा रहा हूं, तो देखोगे ये जो इंडिकेटर जल रहा है वो फियरिंग के अंदर में है, देखने में अच्छा लग रहा है। बस ये फ्रंट वैसे ही लुक मुझे उतना पसंद नहीं है। दो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ऑल LED हेडलैम्प, तो ये वाला डिज़ाइन को KTM को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन कंपनी क्लेम करता है कि ये वाला मॉडल में KTM RC 200 और ज़्यादा एरोडायनामिक है, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। एंड फिलहाल यहाँ पे देख पाओगे आपको स्मोक्ड ब्लैक वाइजर मिलता है जो 10-20% बेटर एरोडायनामिक आपको हेल्प करता है, तो KTM ये क्लेम करता है। एंड चलो पहले बात करते हैं इंजन के बारे में, तो इंजन ऑफकोर्स वही ट्राइड एंड प्रूवन 199cc का इंजन है जो मैक्सिमम पावर 25 BHP एंड जो टॉर्क है 99 का, 6-speed गियर बॉक्स, एंटी असिस्ट रिपर क्लच नहीं आता है, लिक्विड कूलिंग, DOC सेटअप, 4-valve इंजन, तो इंजन रिलेटेड उतना कोई इशू नहीं है, इंजन अभी भी ठीक है। लेकिन BS6 स्टेज 2.0 नॉर्म्स आने के लिए थोड़ा सा इंजन में थोड़ा सा उस तरह से फ्रेंटिक फीलिंग नहीं आता, भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ऑफकोर्स सामने देख पाओगे 43mm का WPFX का सस्पेंशन आता है USD वाला एंड यहाँ पे देख पाओगे जो टायर का साइज है भाई, ऑफकोर्स MRF रिब्जी का टायर मिलता है, रेडियल टायर 110/70 इंचेस का टायर मिलेगा एंड इसका जो एलॉयज है भाई वो 10-20% लाइटर है एज कम्पेयर टू BS6 या पहले वाला मॉडल। तो ये वाला मॉडल ये वाला शेप में एलॉयज का शेप या एलॉयज का साइज थोड़ा डिफरेंट है, इनफैक्ट एलॉयज का जो वेट है उसको कम किया गया ताकि और ज़्यादा RC भाग सके। तो ये था फ्रंट टायर, इवन पीछे भी आते हैं तो पीछे भी आपको देखने को मिलेगा MRF रिब्जी की तरफ से 150 सेक्शन का टायर, तो पीछे वाला टायर है भाई 150/60 R17 MRF रिब्जी। यहाँ पे देखोगे 230mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, वाइब्री कैलिपर, स्टील बेडेड लाइन, ABS वायर, ABS रिंग भी देख पाओगे, एक्स्ट्रा जो मास है डिस्क ब्रेक से वो निकाला गया ताकि और ज़्यादा भाग सके बाइक। एंड इसमें देख पाओगे एल्युमिनियम स्विंगम आता है, तो एकमात्र भाई R15 और KTM RC है जो एल्युमिनियम स्विंगम देता है, लेकिन जो करिश्मा XMR है एंड जो भाई पल्सर RS 200 है वो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स सेक्शन का स्विंगम देता है, तो ऐसा कुछ सीन है भाई।
एल्युमिनियम स्विंगम से क्या होता है, बाइक और ज़्यादा अच्छा भागता है, स्टेबल चलता है। इनफैक्ट इसमें आपको स्प्लिट स्टेनलेस फ्रेम मिलेगा, देख पाओगे सामने वाला जो फ्रेम है स्प्लिट फ्रंट पार्ट वो ब्लैक में है एंड जो पीछे वाला है वो भाई ऑरेंज शेप में। भाई अगर KTM RC 200 का सीट हाइट के बारे में बात करें तो सीट हाइट थोड़ा सा ऊंचा है ऑफकोर्स भाई, क्योंकि रेस स्पोर्ट बाइक है। पिलियन के लिए भाई तो भाई आपको सेकंड टियर में बैठना पड़ेगा, पिलियन के लिए ग्रैब रेल भी है। यहाँ पे देखोगे RC का आपको ब्रांडिंग भी मिलेगा। सीट हाइट है भाई नियर अबाउट बोला जाए तो 824 mm, मतलब क्लोज टू 830 mm का सीट हाइट है भाई लोग। एंड देख पाओगे मिरर्स को अगर हम लोग खोलते हैं तो RC में बहुत ज़बरदस्त फीलिंग लगता है, पूरा बहुत ज़्यादा कमिटेड सीटिंग पोस्चर है। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, पहले वाला जो RC था जो BS4 या BS6 का फर्स्ट लॉट में आता था उसमें थोड़ा मतलब और ज़्यादा कमिटेड सीटिंग पोस्चर था, लेकिन ये वाला है स्लाइडली रेस्ड इन सीटिंग पोस्चर है। तो इससे क्या होता भाई लोग, ये जो RC है थोड़ा ज़्यादा डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए है, थोड़ा सा ज़्यादा पर्पजफुल फील होता है। तो ऐसा कुछ रीजन था, तो मैंने ओवरऑल जो भी फीचर्स हम बता दिए। देखोगे WP का आपको ब्रांडिंग मिलेगा ऑफकोर्स भाई, WP का सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक बार मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, जिसमें आपको ABS का दो मोड मिलेगा। देखो भाई मीटर अच्छा लोड होता है, लेकिन नेगेटिव LCD वाला पैनल है। तो मीटर्स में बेसिक फीचर्स आपको मिल जाएगा, ABS का दो मोड मिलेगा, रोड सुपर मोटो, यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिलेगा, फ्यूल कंजम्पशन का कितना मीटर है वो दिखाएगा, ABS का लाइट, न्यूट्रल, गियर प्रेशर इंडिकेटर, ऑडोमीटर, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ सीन है फिलहाल। तो मुझे पर्सनली जो पॉइंट्स था हम बता दिए कैसा क्या RC 200 है, तो चलो मोरलेस जो भी पॉइंट्स था हम बता दिए हैं एंड एक बार हम ट्राई करेंगे आपको बताना कि कैसा लगता है RC 200। तो और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो मीटर है, देखो मीटर में कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं आता, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आता है, और भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं आता जो करिश्मा एक्जेमर में आता है। एंड इनफैक्ट बोला जाए तो भाई R15 में भी बहुत ज़्यादा फीचर्स, इवन R15 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे तो वैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन है, तो मोरलेस जो भी पॉइंट्स बोलो KTM RC 200 मुझे तो पर्सनली अच्छा ही लगा भाई। अब थोड़ा सा राइड रिव्यू लेकर देखते हैं कैसा, एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे भाई, अंडर व्हील एग्जॉस्ट से सुनो। तो DOSC सेटअप है तो भाई जबरदस्त एग्जॉस्ट नोट है भाई। सो काइंड ऑफ भाई ये वाला स्मॉल वीडियो था ऑन द 2024 KTM RC 200 के, आपको लेना चाहिए, इट इज़ वर्थ बाइंग इन द 2024 और नॉट, या कंपटीशन में आपको करिश्मा एक्जेमर लेना चाहिए, पल्सर RS 200 लेना चाहिए, या R15 लेना चाहिए, कौन सा चीज़ है कि आपको KTM RC 200 लेना चाहिए, तो उसी के लिए आज का वीडियो होगा। तो चलो थोड़ा टेस्ट साइड लेकर देखते हैं और बताते हैं कि कैसा क्या सिस्टम है। एंड KTM RC 200 ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला ब्लू वाला कलर एडिशन हमारा सिर्फ दुर्गापुर में पड़ता है भाई, क्लोज टू एक शोरूम जो प्राइस है 221,000 के आसपास। तो चलो थोड़ा टेस्ट साइड लेते हैं एंड बाकी का वीडियो वहीं पर शेयर करते हैं। चलो मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। हेलो गाइज, वेलकम इन टू द राइड रिव्यू ऑफ 2024 KTM RC 200 एंड स्टेट अप। एक चीज़ जो फील होता है भाई, DOSC सेटअप 25 BHP में जो 99 mm टॉर्क है वो एविडेंटली फील होगा, सीटिंग पोस्टर बहुत ज़्यादा कमिटेड है, चलाने में भी मज़ा थोड़ा एक्सलेट करेगा। लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ एन RC भाई, दो BS3 BS4 का लेगेसी को कभी फॉलो नहीं कर पाएगा, लेकिन भाई मज़ा तो है RC में भाई, मज़ा आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बट भाई वो पुराना वाला फीलिंग नहीं है जो BS3 BS4 में था। आई लिटरली मिस दैट परफॉर्मेंस मैन, दैट फ्रेंटिक पुल विच वॉज देयर और प्रेजेंट इन BS3 एंड BS4 मैन, आई लिटरली मिस दैट RC, दैट परफॉर्मेंस, दैट लेगेसी, दो समहाउ इट इज़ अनकम्पेरेबल टू मैच द BS6 स्टेज नॉर्म्स इंजिन ऑफ RC एंड द BS3 एंड BS4, बोथ आर एक्चुअली हेल एंड हेवन डिफरेंस। बट फर्स्ट टाइम अगर कोई चलाता है BS6 RC तो उसको उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पावर वाइज में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलाने में बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस है। तो देखो मतलब सडन, मतलब एक सर्ज नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पुल करना पड़ रहा है, अबव 8,000 RPM तब RC पुल कर रहा है भाई। ये 200 cc है, पहले BS3 BS4 को मैं इस तरह से रेड लाइन कोई नहीं कर पाता ये क्लोज रोड में, लेकिन अभी RC को आप इस तरह से रेड लाइन कर पाओगे, मतलब क्लोज रोड में भी आप पूरा थ्रॉटल खोल सकते हो, जो कि एकदम BS3 BS4 में कोई नहीं कर पाता था। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, तो चलाने के मामले में मुझे पर्सनली अच्छा लगा। इवन अगर कंपटीशन से देखो अगर बात किया जाए, देखो ये टॉप स्पीड जो RC है ये क्लोज टू जाता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लंबा नहीं खींचूँगा, ये वाला RC जो मीटर पर जाएगा भाई 137-138 का स्पीड चला जाएगा, जो कि काफ़ी होता है 200 cc के लिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी के लिए बात किया जाए तो पहले वाला RC और जितना डेडिकेटेड था, ये वाला थोड़ा सा मतलब सीटिंग ऑर्गेनोमिक्स थोड़ा हाई एंड परफॉर्मेंस, देखो थ्रॉटल पूरा दिया हूँ, इट इज टेकिंग इट्स ओन स्वीट स्पॉट एंड देन इट इज पुलिंग वेल, परफॉर्मेंस है, बट समहाउ बाई दैट लेगेसी ऑफ अ BS3 BS4 RC द वे इट यूज टू रेव नो दैट इज एक्चुअली मिसिंग, बिकॉज मैंने BS3 BS4 RC बहुत चलाया, तो मुझे एक्चुअली वो पावर का अर्जेंसी और पावर का जो सोर्स था, वो मुझे जो लैग फील हो रहा है वो मुझे एक्चुअली फील होगा कि हाँ भाई। लेकिन कोई अगर नौ सीखिया है, कोई जस्ट नया नया ये RC चलाए, उसको उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि KTM जिसके लिए जाना जाता था दर फ्रेंटिक पुल, वो कहीं ना कहीं लेटेस्ट BS6 नॉर्म्स के लिए वो कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली ये हर कंपनी सफ़र कर रहा है, ऐसा कुछ सीन है। तो चलो एक बार टर्निंग रेडियस चेक करते हैं, तो मेरा हाइट है 5'8", तो भाई
तो 5 फुट 8 इंचेस के लिए उतना कोई इशूज़ नहीं है, आराम से बाइक हैंडल कर सकते हो, लेकिन उससे कहीं अगर 5-6 से थोड़ा छोटा है तो इशू हो सकता है भाई, ये मैं आपको बोलूँगा। लेकिन चलाने में फील है भाई। एक चीज़ बोलूँगा, लो एंड में भाई R15 से ना पल्सर RS100 से RC बेटर फील होगा, ये बात आप लोग लिख के ले लो। तो भाई जितना भी पावर का लैग हो, लेकिन RS और R15 से सिटी ए रोड्स में बहुत ज़्यादा मजा देगा। इनफैक्ट RS फिर भी मज़ा देगा, लेकिन R15 ये सब रोड्स के लिए उतना मज़ा नहीं देता भाई, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो ये वाला RC का जो एक शोरूम प्राइस जाता है हमारा श्री दुर्गापुर में 221,000 के आसपास, एंड ऑन रोड मान लो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास जाएगा। मुझे ऑन रोड का एग्जैक्ट नहीं पता, शोरूम का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा भाई लोग वहाँ से आप लोग चेक डाउन करना, मैं जस्ट आपको कैजुअली बता दिया। चलाने में ठीक है भाई, बट द फीलिंग ऑफ अ ओल्ड RC इज मिसिंग। तो क्या आपको ये लेना चाहिए कंसिडरिंग इन द ईयर 2024? एक चीज़ बोलूँगा, पहले मिरर को बंद कर लेते भाई, क्योंकि ट्रैफिक्स है लगभग सकता है, तो भाई बंद करके देखो फीलिंग है, बट बंद करके वैसा आई थिंक फीलिंग नहीं लग रहा होगा वीडियो में, तो ऐसा कुछ सीन है। तो चलाने में ठीक ही लगता है RC भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला RC क्या होता था कि एकदम थर्ड गियर सेकंड गियर में उठता नहीं था, लेकिन अभी वाला RC इजीली उठ जाता है। देखो मैं थर्ड गियर पे हूँ, फोर्थ गियर पे मैं 2000 RPM कर रहा हूँ, आर यू किडिंग मी? ये अगर पुराना वाला RC होता ना तो इसका इंजन फट जाता, ब्लास्ट कर जाता, मतलब स्टटर करने लगता। लेकिन यही है कि नया RC में भाई देखो डाउनशिफ्ट करोगे आपका RC पुल करेगा। सामने ऑफकोर्स 310 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, तो ब्रेक बाइट सही है, वाइब्री रेडियली माउंटेड कैलिपर आता है, तो ब्रेक बाइट सही है भाई, कोई इतना इशूज़ नहीं है। तो चलने में भी ठीक है, बस अब ट्रैफिक रोड्स है तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है भाई, ट्रैफिक ओवरटेक किया जा सकता है। परफॉर्मेंस देखो RC का भाई, परफॉर्मेंस है RC का, बट द BS3 BS4 लेगेसी इज मिसिंग। तो क्या आपको लेना चाहिए इन द ईयर 2024? तो एक चीज़ बोलूँगा, ले सकते हो भाई। देखो अगर किसी को KTM ही लेना है, KTM का लुक्स पसंद आता है, KTM ही चाहिए, KTM ही ऐसा ब्रांड ही लेना है, देन भाई RC200 ले सकते हो। देखो एक चीज़ बोलूँगा, टायर्स में अगर आप कंपटीशन में कंपेयर करते हो, ठीक है, तो RC200 का सबसे बेस्ट इन सेगमेंट आपको टायर मिलेगा, ये आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्योंकि टायर्स में सामने 110 सेक्शन देता है, पीछे 150 सेक्शन का टायर, तो RC200 जो टायर देता है वो ना ही आपको करिश्मा में मिलेगा, RS200 में मिलेगा, ना ही R15 में मिलेगा। तो बेस्ट इन सेगमेंट आपको टायर मिलेगा, बेस्ट इन सेगमेंट आपको इक्विपमेंट मिलता है भाई, लाइटर अलॉयज मिलेगा, ठीक है, स्प्लिट स्टेनलेस फ्रेम मिलेगा जो और ज़्यादा स्टेबल होता है, बेटर हैंडलिंग होता है, बेटर रिजिडिटी होता है, ये बात बोलूँगा। आप RC लेके ना कभी स्पीड वो वाला ऐसा फीलिंग नहीं आएगा, ये तो मैं हिला रहा हूँ, ऐसा कोई फीलिंग नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा प्लांटेड स्योर फुटेड चलेगा, ठीक है। लेकिन भाई हैंडलिंग में RC भाई बहुत अच्छा है भाई, ये बात मैं भी बोलूँगा, हैंडलिंग में RC बहुत ही प्यारा है, मतलब मैं जैसा चाहूँ वैसा इसको मनूवर करके चला सकता हूँ, कोई उतना इश्यूज नहीं है भाई, डाउनशिफ्ट भी कर सकते हैं, तो चलाने में सही है भाई। फीचर्स थोड़ा भी RC में कम हो गया, क्योंकि ZMR में आपको सबको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ज़्यादा फीचर्स मिलता है, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट, इवन आपको सेम SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट, बैटरी हेल्थ, मतलब राइड कनेक्ट फीचर्स आप R15 में भी अवेल कर पाओगे, इवन R15 में ओनली बाइक इन द सेगमेंट भी चौफर्स ट्रैक्शन कंट्रोल, ये फीचर्स मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग बस देख लो कि क्या आपको लेना है, अगर आपको प्योर रॉ गाड़ी चाहिए जिसमें ज़्यादा नॉनसेंस फीचर्स ना हो, प्रैक्टिकल जो फीचर्स है, रेंज, डिस्टेंस टू MT, ABS का 2 मोड, KM/L वो लेना है, देन भाई आप RC ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। RC चलाने में प्यारा है भाई, मतलब एक जो मतलब मज़ेदार जो फैक्टर होता है ना, वो ऑफकोर्स BS3 BS4 का था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग भी है। तो देखो दो ट्रक्स के बीच आराम से गैप मार सकते हैं, तो ये फ़ायदा है भाई RC का। तो मुझे इन पर्सन चला के बहुत ही प्यारा लगा भाई, KTM RC 200, अ ब्यूटीफुल बाइक, बट इट एक्चुअली इट इज़ स्ट्रगलिंग एंड नॉट एबल टू मैनेज दैट मच विच वॉज देयर इन BS3 एंड BS4 इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड दैट फील, रॉ फील, वो कहीं ना कहीं RC में मिसिंग है भाई, ये हमें भी मानना पड़ेगा। एंड एक बार हम हाईवे में आए हैं, देखते हैं RC, come on RC, close to 120 के आसपास स्पीड होगा भाई, ब्रेक बाइट सही है भाई, एकदम स्ट्रॉपी वाला फीलिंग आ जाता है। तो चलो आज का वीडियो मैंने बता दिया कि ये किसको लेना चाहिए। अगर भाई देखो किसी का बजट का इशू नहीं है, ओनली KTM लेना है, एंड एफिशिएंसी भी है, मान लो क्लोज टू आपको 30 से 33, 34, 35 तक मिल सकता है, अगर आप प्यार से चला हाईवे पे तो आराम से 35-36 मिल सकता है। अगर KTM ही लेना है, टैंगरेज भी भरा है, 13.4 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, तो रेंज भी भरा है, टूरिंग भी कर ही सकते हो, पावर का उतना लैग नहीं है। अगर कोई BS3 BS4 RC चला ले तब उसको पावर का इशू फील होगा, अदरवाइज़ नहीं, तो चलाने में ठीक है। तो चलो जो भी वीडियो बनाना था मैंने बना दिया है। अगर सिर्फ किसी को KTM ही लेना है, RC ही पसंद है, RC200 लेना है, बजट इज़ नॉट एन इशू, ओनली KTM इज़ द माइंडसेट, देन गो फॉर RC200। एक्चुअली विल नॉट रिग्रेट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इफ यू कंपेयर
विद R15 स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लो एंड देन उतना सफर नहीं करेगा। तो चलो आज के वीडियो मोरलेस यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, लव यू ऑल, थोड़ा लव सपोर्ट करो। एक चीज बोलूंगा, इट्स बेटर टू प्ले विद बाइक्स रादर देन गर्ल्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।